अनुप्रयोग ज्ञान दर्शन चारित्र तरफ मोक्ष का मार्ग है और इस मोक्ष मार्ग की आराधना में और इस मोक्ष मार्ग की आराधना में जितना महत्व ज्ञान का है उतना ही महत्व दर्शन का होता है जो वर्तमान में होता है ना वो ज्ञान होता है लेकिन उसी ज्ञान के ऊपर उसी सत्य के ऊपर नेक्स्ट होता है श्रद्धा का भाव बिना ज्ञान के कभी श्रद्धा नहीं होती और बिना श्रद्धा के कभी ज्ञान नहीं होता लेकिन जब हम सत्य के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तब ही वह श्रद्धा हो जाती है बिना मुर्गी के एक नहीं होता बिना एक के मुर्गी नहीं होते, लेकिन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं सापेक्ष होते हुए भी आप एक बात को बराबर अंदर से एकदम क्लियर कर दो कि हम सुनते बहुत हैं, समझते बहुत हैं। लेकिन हम सुनते और समझते जितना भी है वह यथार्थ समझते हैं वो तब ही होता है कि जब हम उसके ऊपर श्रद्धा ट्रस्ट और विश्वास लाते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञान हंड्रेड परसेंट हो लेकिन ट्रस्ट ओनली टेन परसेंट हो कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान 100 परसेंट हो किसी भी सब्जेक्ट में लेकिन ट्रस्ट 50 परसेंट ही हो और जितने परसेंटेज ट्रस्ट के विश्वास के श्रद्धा के दर्शन के होते हैं ना उन्हीं के आधार पर चारित्र का सर्जन होता है उसी के आधार पर चारित्र का सर्जन होता है भगवान ने कहा ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग वो मोक्ष का मार्ग है लेकिन जब तक हम समझते ही नहीं है तब तक हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं आती और पूर्वक जब तक हम समझते नहीं है तब तक हम उसका उसके ऊपर चारित्र पालना भी नहीं कर पाते और इसीलिए भगवान ने कहा ये तीनों एक दूसरे से सापेक्ष है ये तीनों ही एक दूसरे से सापेक्ष है और इसलिए परमात्मा पद की प्राप्ति जितनी भी आत्माओं ने की है ना जितने भी आत्माओं ने की है उन सभी ने ये तीनों सापेक्ष साधना की है नारायण जानाई भावे दंश निर्णय सद्ध है चरित्रेण निग नाइन तवेणम परिस जैसे मानो की एग्जाम्पल के रूप में भगवान ने कहा है कि संसार असार है अब आप भगवान को मानते हो तो भगवान को मानने में आपका भाव हंड्रेड परसेंट है लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा संसार असार है अब जानने का भाव इस बात को जानने का भाव शायद आपका फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट भगवान ने ऐसा कहा कि संसार असार है तो आपने जान लिया चलो आपको जानना भी आपका सौ हंड्रेड परसेंट हो गई लेकिन अब अब कौन सा सब्जेक्ट आया जैसे ही हम जानते हैं तुरंत इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है कि नहीं है ट्रस्ट है कि नहीं है जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हो और बस में बैठे हुए किसी पैसेंजर ने कहा कि बस तो दिल्ली की ओर जा रही आपको जाना था अहमदाबाद की ओर और मुंबई से बस जब निकली और किसी पैसेंजर ने कहा कि नहीं ये तो दिल्ली की ओर जा रही है अब आप क्या करोगे अरे मैं दिल्ली की बस में नहीं मैं तो अहमदाबाद की बस में बैठा हूं मैंने बोर्ड पढ़ा था ना जाना था ना कि अहमदाबाद की ओर जा रही मुंबई अहमदाबाद का बोर्ड था मैं तो उसी बस में बैठा हुआ हूं उस पैसेंजर कहा नहीं नहीं ये दिल्ली की बस से अब आप क्या करोगे या ड्राइवर या कंडक्टर दो में से एक का कॉन्टेक्ट करूंगी और कंडक्टर को पूछेंगे नहीं, नहीं। बस अहमदाबाद की ओर जा रही है कंडक्टर आपको, आपने, आपने तो तो आप आपको मिलते ही नहीं कंडक्टर कहीं पीछे है कंडक्टर कोई अलग ड्रेस में और पैसेंजर कह रहा है कि नहीं दिल्ली की बस और आपने तो जाना था कि अहमदाबाद की बस थी इसी प्रकार से बैठे थे अब आपके अंदर बैठे 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 बैठने का मन होगा कि नहीं नहीं यदि दिल्ली की बस से तो उतर जाना है उतर जाना है उतर जाना लेकिन जैसे ट्रस्ट आ गया कि नहीं ये बस तो हंड्रेड परसेंट अहमदाबाद की ओर ही जा रही अब आप बैठ जाए आराम से बैठ जाएंगे क्यों क्योंकि आपकी क्लैरिटी हो गई है क्लैरिटी ट्रस्ट को कहते हैं दर्शन गुण को कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तीन में से दर्शन गुण उसी को कहते हैं कि जिसमें क्लियर क्लैरिटी और क्लियर क्लैरिटी से अंदर में ट्रस्ट आता है एक श्रद्धा आती है कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस कॉन्फिडेंस को मोक्ष मार्ग के कॉन्फिडेंस को क्या जाता को कहा जाता है उसी को दर्शन गुण कहा जाता है उसी को श्रद्धा गुण कहा जाता है उसी को ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग में से दर्शन गुण कहा जाता है मुझे आपको इस बात में इसलिए समझाना है कि भगवान ने कहा कि संसार आसार है मुझे आपको ये पूछना है कि भगवान आपकी जीवन गाड़ी के साथ वाले पैसेंजर है कि ड्राइवर कंडक्टर है हेलो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में परमात्मा का स्थान ड्राइवर के रूप में है कंडक्टर के रूप में है कि पैसेंजर के रूप में है पैसेंजर ने कह दिया ये बस तो वहां जाने वाली है पैसेंजर ने कह दिया अब क्या करोगे भगवान ने कहा कि संसार असार है आपको तो लगता है? नहीं, नहीं। तो है संसार में तो है संसार में तो सुख अनुकूलता है भगवान ने कहा माता पिता भाई बहन आदि रिलेशन सभी टेम्पररी है नहीं नहीं वही तो है सब कुछ भगवान ने कहा फैमिली लाइफ संसार का सृजन करती नहीं हमें नहीं, तो फैमिली लाइफ ही आप भगवान के ज्ञान पर भगवान का ज्ञान आपने जाना तो आपका ज्ञान क्लियर है लेकिन जानने के बाद आप मानते क्या हो जानने के बाद आप मानते क्या हो जानना हंड्रेड परसेंट होने के बाद मानना जब तक हंड्रेड परसेंट नहीं होता तब तक पालना हंड्रेड परसेंट नहीं होती है इसलिए जानना मानना और पालना इससे कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग हेलो मैं आपको पूछ रहा हूं आप क्या मानते हो संसार सुखकारी भगवान कहते संसार दुखकारी अब आप भगवान को पैसेंजर मानते हो कंडक्टर मानते हो ड्राइवर मानते हो क्या मानते हो हम इसमें क्या मानते हो यूं तो हम उसको ड्राइवर ही मानते हैं लेकिन कभी कभी हम उसको पैसेंजर मान लेते हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में हम उसको पैसेंजर मान लेते और किसी किसी सब्जेक्ट में ड्राइवर मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि पैसेंजर ड्राइवर ड्राइवर, पैसेंजर नो इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि भगवान की बताई हुई हर बात पर और मैं ये नहीं कहता भगवान ने बताई इसलिए भगवान ने भी सत्य है इसलिए बताया कि बताया इसलिए सत्य है गुरु कहते हैं इसलिए वो बात सत्य है कि सत्य इसलिए गुरु कह रहे हैं याद रखना हम भी वही कहते हैं हम वही कहते सत्य है है इसलिए हम कहते हैं हम कहते हैं इसलिए सत्य ऐसा कभी मत मानना इसलिए आपके अंदर में इस इस बात का ट्रस्ट विश्वास हो जाना चाहिए हूँ कह छू ए साचू छे नहीं साचूच माटे हमें कहू माटे में जो कहता हुई तमने पर जो साचू लागे नहीं तुझ मानवू नहीं तर अमारी बात ने पढ़ मानवी जरूरी नथी जो तमने पढ़ते सच्चुद लागे तमने पढ़ जो realise थाई तमने पढ़ उलागे के ना आज सच्चुचे हाय हां करीने मानवू ये अंद क्या गुरु की हाँ में हाँ मिला देना गुरु की हा में हाँ मिला देना वो अंध श्रद्धा होती है लेकिन गुरु के सत्य में श्रद्धा करना वो श्रद्धा होती है प्रियो और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको दर्शन गुण ही दर्शन गुण ही मोक्ष का परम बीज होता है क्योंकि दर्शन से ही क्लैरिटी होती है दर्शन गुण से ही क्लियरिटी होती है और क्लैरिटी ही अपने आप में कॉन्फिडेंस बन जाता है और कॉन्फिडेंस बन जाता है ना तब आचार धर्म चारित्र धर्म बहुत इजी होता है और जब तक वो नहीं होता तब तक तब तक चारित्र धर्म कभी भी इजी नहीं होता आपको जाना है दिल्ली और आप जा रहे थे रास्ते पर से और रास्ते पर से जाने पर आपने जैसे ही बोर्ड पढ़ लिया कि नहीं ये दिल्ली का ही रास्ता है तो फिर आपका एकदम आपकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि नहीं दिल्ली का रास्ता है कि अहमदाबाद का रास्ता है कहाँ का रास्ता जा तो रहे कोई बोर्ड दिखता नहीं कोई दिखता नहीं तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे आपकी क्लैरिटी नहीं होगी आपकी स्पीड कम हो जाएगी आप एकदम डिस्टर्ब भी हो जाएंगे लेकिन जैसे ही बोर्ड आना शुरू कर देंगे हाँ आप वही रोड पर जा रहे हैं आपकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी याद रखना चारित्र का गुण धर्म तभी श्रेष्ठ होता है जब श्रद्धा का गुण सर्वोत्कृष्ट होता है श्रद्धा का गुण जब सर्वोत्कृष्ट होता है ना तो चारित्र का गुण अपने आप ही हो जाता है और बिना श्रद्धा के ना दानी चरण गुणा भगवान ने बता दिया कि जब तक आपका ट्रस्ट लेवल भाई क्या आपका ट्रस्ट लेवल गुरुदेव ने कहा है नहीं वो सच कह रहे हैं और मुझे उस पर विश्वास है तो फिर क्या हो जाएगा हम उस बात पर आगे बढ़ जाएंगे हम उस बात पर आगे बढ़ जाएंगे वरना क्या होगा नहीं अभी उन्होंने कहा तो है लेकिन अभी देखते हैं अभी ऐसा कैसे होगा कंफ्यूज जहां पर होते हैं समझ जाओ कंफ्यूज जहां पर होते हैं वहां पर हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो सकता और कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी कार्य कभी सफल नहीं हो सकता और इसीलिए परमात्मा ने कहा है सत्य को जानो सत्य को मानो और फिर सत्य को पालो बिना जाने मानो नहीं और बिना माने पालो नहीं किसी ने कह दिया उपास करना है नहीं मुझे ऐसा उपवास नहीं मुझे है कि उपास क्यों करना है मुझे जानने के उपवास किस तरह से होता है मुझे जानने के उपास का हेतु क्या है मुझे जानने के उपास का भाव क्या होता है और भगवान ने यदि उपवास करने का कहा है तो उसके पीछे क्या सिक्रेट है हमने जाना और फिर हमारी क्लैरिटी बढ़ने लगी क्लैरिटी बढ़ने लगी तो आपके अंदर में ट्रस्ट आ गया कि हाँ उपवास से ही मेरे कर्मों का क्षय होता है और क्षय होता है तब आपके आपका उपवास आपके अंदर की प्रसन्नता लाएगा तब आपका उपवास आपके अंदर में उपवास करने के बाद भी आनंद की अनुभूति लाएंगे और फिर जब आप उपवास की आराधना करते होंगे ना तो आप स्वयं उपवास के प्रति पॉजिटिव होंगे और इसीलिए भगवान ने कहा साधना में श्रद्धा का बल ही साधना को सफल बनाता है साधना में श्रद्धा का बल ही साधना को सफल बनाता है लेकिन श्रद्धा सत्य के बेस पर होनी चाहिए श्रद्धा सत्य के बेस पर होनी चाहिए श्रद्धा कभी प्रेम के बेस पर नहीं होनी चाहिए मैंने भी जाना और मैंने भी परखा मैंने भी जाना और मैंने भी परखा मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं उन्होंने जो कहा है ना वह मेरे लिए हितकारी है वह सत्य है और फिर जब हमारे अंदर की आवाज आती है ना इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञान होती है परमात्मा और गुरु की आवाज ज्ञान होता है परमात्मा और गुरु का आवाज लेकिन श्रद्धा होती है इनर वॉइस क्या ज्ञान होता है प्रभु का और गुरु का लेकिन श्रद्धा होती है इनर वॉइस और जिसके अंदर में बाहर से प्रभु और गुरु का ज्ञान जा रहा है और वो ज्ञान जाकर आपके इनर वॉइस को जगाता है और इनर वॉइस ने एक बार कह लिया कि नहीं यही बरोबर है फिर आप देखना उस धर्म की आराधना में उस साधना में आपके अंदर की आपके अंदर की क्षमता बढ़ जाएगी फिर एक बार मैं कहता हूं कि भगवान ने कहा संसार असार है क्या मानते हो आप भगवान ने कहा संयम ही सार है संसार असार है भगवान कहा संयम ही श्रेष्ठ है संसार तो दुख का कारण है भगवान ने कहा संयम ही आत्मा की शुद्धि है संसार अशुद्धि है भगवान ने कहा क्षमा नम्रता सरलता ही आत्मा के गुण है क्रोध आदि अवगुण है भगवान ने कहा संसार में रहने जैसा नहीं है संसार छोड़ने जैसा है अब मैं आपको पूछता हूं कि आपको भगवान ने कहा है कि संसार छोड़ने जैसा है आप भगवान की बात को टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट नाइनटी परसेंट कि हंड्रेड परसेंट आंसर हंड्रेड वाले कितने कि नहीं भगवान ने कहा सत्य संसार छोड़ने जैसा ही है भगवान ने कहा संबंध जोड़ने जैसा नहीं है किसी के भी साथ में सबंध जोड़ने जैसा नहीं है कितने को लगता है कि नहीं हंड्रेड परसेंट या मैं भी यही मानता हूं तो मानते हो तो छोड़ते क्यों नहीं हो हेलो मानते हो तो छोड़ते क्यों नहीं हो यदि जिस दिन आपने हंड्रेड परसेंट मान लिया ना एक पल भी आप संसार में रुक नहीं सकोगे और इसीलिए भगवान ने कहा मानने का ग्राफ होता है मानने का ग्राफ होता है कोई टेन परसेंट मानता है कोई ट्वेंटी परसेंट मानता है कोई थर्टी परसेंट मानता है कोई फोर्टी परसेंट मानता है कोई फिफ्टी परसेंट मानता है कोई सिक्सटी परसेंट मानता है और इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धा का गुण संधर्मी होता है वर्तमान में श्रद्धा का गुण सब धर्मी होता है यदि वह क्षायिक गुण धर्मी होता तो आपके अंदर में एक पल में दे लाए सोजर नहीं संसार असार है और हरसद में पृथ्वीबेन को बोल देते कि मैं आज और अभी आज के ही पल में मैं तुझे छोड़कर जा रहा लेकिन गुरुदेव हम तुम्हारी बात तो साची छे हम हमने लागे पड़ जो थोड़ूक थोड़ूक पर हजी छूटत नहीं छूटत एट नहीं हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट नहीं गुरु पर परमात्मा पर हंड्रेड परसेंट हो तो एक दिवस एक पल एक क्षण इसलिए अपनी श्रद्धा के परसेंटेज को बार बार चेक करो अपनी श्रद्धा के परसेंटेज को बार बार चेक करो और एक संकल्प करो कि मौत आए उसके पहले प्रभु ज्ञान मेरे पास दस परसेंट हो कि बीस परसेंट हो पचास परसेंट हो कि साठ परसेंट हो लेकिन प्रभु तेरे लिए आपने बताए हुए प्रभु आपने बताए हुए, हुए मोक्ष मार्ग के लिए प्रभु आपने बताए हुए संसार के स्वरूप के लिए मुझे सौ परसेंट हंड्रेड परसेंट श्रद्धा लेकर विदाई होना है आज भले ही फिफ्टी परसेंट हो आज भले ही सिक्सटी परसेंट हो आज भले फोर्टी परसेंट हो आज भले ही एटी परसेंट हो लेकिन प्रभु मेरी आंख बंद हो उसके पहले आपके प्रति श्रद्धा की, की आंख मेरी हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना हेलो तेजस भाई ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना क्या हो जाएगा मालूम है मैं और आप एक हो जाएंगे ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन मेरा हाथ ये लंबा हुआ हाथ उस हाथ में आपका हाथ होगा उस दिन जुड़ा हुआ हाथ नहीं होगा उस दिन हाथ में हाथ होगा और यही समझ जाओ कि श्रद्धा की कमी चारित्र में कमी लाती है और श्रद्धा जब हंड्रेड परसेंट होती है तो चारित्र का गुण धर्म भी हंड्रेड परसेंट आने लगता है जानू चाहे परसेंटेज कम ज्यादा हो लेकिन मानता हूं हंड्रेड परसेंट प्रभु मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपके ज्ञान में जो दिख रहा है वो सत्य है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है प्रभु आपके ज्ञान में जो दिख रहा है आपने जो भी दर्शित किया है जो भी आपने उद्दिष्ट किया है जो भी आपने प्रति किया है मेरी उसमें वन परसेंट भी शंका नहीं है मैं समझू कि ना समझू मैं जानू कि ना जानू मुझे ख्याल आए कि ना आए लेकिन मैं आपके प्रति पूर्ण ट्रस्ट रखता हूं कि आपने जो कहा है मिनमे कुछ में कोई फेरफार नहीं हो सकता प्रभु मेरी श्रद्धा आपके प्रति पूर्ण है आपके ज्ञान के प्रति शायद मेरी समझ आपकी समझ के लेवल पर आए कि ना आए लेकिन मेरी श्रद्धा आपके प्रति पूर्ण है तमेव सचम निसंगम जमजणे ही पबयम हे प्रभु आप सत्य है इसलिए आपके बताए हुए हर वचन पर मेरा वो सत्य ही है ऐसा श्रद्धा का भाव है लेकिन याद रखना लेकिन याद रखना यह श्रद्धा हमेशा के लिए ज्ञान के बेस की नहीं होती ये प्रेम के बेस की होती है क्योंकि हम परमात्मा को प्रेम करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि भगवान आपने कहा वह सत्य होगा लेकिन वो प्रेम के बेस की श्रद्धा तब ही पूर्णता को प्राप्त कर सकती जब ज्ञान के बेस की श्रद्धा हो जाए आज हमें सिर्फ एक बात पर विश्वास करना है प्रभु आपकी हर बात को हम जान पाए कि न जान पाए पर इतना है कि आपकी हर बात को हम मान पाए हम मान पाए जब भी जाने तब ही माने जब जितना जाने तब उतना मान ले क्योंकि आपकी हुई एक भी बात आज तक गलत साबित नहीं हुई है इसलिए हमारा विश्वास है कि आपके हर शब्द पर आपके हर भावों पर आपके हर सूत्र पर आपके हर ज्ञान पर हमारी पूर्ण श्रद्धा है सद बनते श्रद्धा करते प्रभु हम आपके वचनों और यह श्रद्धा प्रेम के बेस पर नहीं हमें ज्ञान के बेस पर लानी है यह श्रद्धा सत्यों को जानने का भी पुस्सात करना है कि मेरे प्रभु ने क्या क्या कहा है मेरे प्रभु की सर्वज्ञता में क्या क्या आया है उससे जानना भी है और फिर मानना भी है